શ્રી સોશિયલ ગ્રુપ તરફથી આપ સૌ તરફથી આપણા વરિષ્ઠ આપણા બા અહીંયા સ્ટેજ ઉપર બાના શુભ હાથોથી આવેલા આપણા અતિથિ માનનીય શ્રી મુઝફ્ફર હુસેન સાહેબ એમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલાં તો અમે શોલ અર્પિત કરીને એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. એક વાર જોરદાર તાળીઓ આપ સૌ તરફથી. વચ્ચે છોટે બડે જીતને બી લોકો યહાં પર ખડે હૈ. અમારા માનો આશીર્વાદ મુઝફ્ફર સાહેબને મળી ગયો છે એટલે મુઝફ્ફર સાહેબની જીત 200% પક્કી છે. સાથે સાથ ચંદ્રકાંત મોદી સાહેબનું અહીંયા સ્વાગત કરતા આપણા એક વાર જોરદાર તાળીઓ. મેં દો શબ્દ કહેના ચાહુંગા હમારે બીચ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી કે વર્કિંગ પ્રેસિડેન્ટ આદરણીય માનનીય શ્રી મુઝફ્ફર હુસેન સાહેબ કા. સબસે પહેલે તો ગુડ ન્યૂઝ હમ યે દેના ચાહેંગે કે ઇસ બાર હમારે મુઝફ્ફર હુસેન સાહેબ અપની કોંગ્રેસ પાર્ટી કે વરિષ્ઠ નેતા ઉન્હોને આમદાર કે લિયે અપના નામકરણ દિયા હુઆ હૈ ઓર કલ હી ઉન્હોને પર્ચા ભરા હુઆ તો મેં ચાહુંગા એક બાર જોરદાર તાલિયો સે ઉનકા સ્વાગત કરતે હુએ ઓર શુભકામનાએ દેતે હુએ મેં સર કે લિયે સિર્ફ 2 મિનિટ લેના ચાહુંગા. 1991 में मीरा भायंदर में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था उस समय सेक्टर नंबर 5 में और भी जो एरिया यहाँ पे दिया गया था तब मुजफ्फर हुसैन साहब 1991 में पहली बार एज अ नगर सेवक चुन के आए थे चंद्रकांत मात्रे साहब के सामने. चंद्रकांत मात्रे साहब वहाँ थे और इस तरफ मुजफ्फर हुसैन साहब थे और तब से लेकर अब तक और भविष्य में भी सेक्टर नंबर 5 हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब के लिए उनके हम दिल रहेगा हमेशा उनके लिए प्यारा रहा है. उनके लिए एक मैं कह सकता हूँ सर लकी साबित रहा है क्योंकि 1991 से उस समय भी मैं प्रोग्राम का तभी शुरुआत की थी छोटी मोटी अनाउंसमेंट की तब भी मैं सर के लिए बोलता था और सर को स्पीच देते देखते देखते मैं उनसे बहुत कुछ सीखा इसलिए सर मेरे मेंटोर है. जी हाँ मेरे मेंटोर है. उसके बाद 3 साल उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष में भी उन्होंने अपना पार्ट रखा बहुत अच्छे एक्टिवली उन्होंने कार्यकर्ता रहे. उसके बाद 2 बार इन्होंने MLC के टर्म में 2 टर्म में ये MLC रह चुके हैं और आगे भी और इस बार उन्होंने जो फैसला लिया है ये आप सबके आशीर्वाद से और हम सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जब हम हमारे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उनकी सुविधा के लिए उन्होंने हॉस्पिटल यहाँ पर खोला हुआ है और उसके बाद उसके भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने यहाँ पर खोले हुए हैं. उसके अलावा अगर हम बीमार गिरते हैं हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल्स ओपन किए हुए हैं. साथ ही साथ हमको घर में जो खाने पीने के पदार्थ लगते हैं उसके लिए सुपर मार्केट इन्होंने ओपन किया हुआ है हॉस्पिटल सुपर मार्केट. उनके साथ साथ हम यंगस्टर्स के लिए छोटे बड़ों के लिए फैमिली के लिए एक रिक्रिएशन क्लब यहाँ पर उन्होंने ओपन किया हुआ है. इसके अलावा सर्वधर्म संभावना को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फर हुसैन साहब ने हम देख सकते हैं पूनम सागर के यहाँ पर शमशान भूमि कब्रिस्तान वहाँ पर बनाए हुए हैं. तो ये सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पर बनाया हुआ है. तो वाकई में इतने सालों से जब हम यहाँ पर मैं 1984 में यहाँ पर आया था तब छोटी सी सड़क थी तब मुजफ्फर हुसैन साहब भी यहाँ पर थे उनके यहाँ पर बंगले पे और हम आते जाते थे हम उनको देखते थे जब छोटे थे तब से लेके अब तक. वाकई में अगर मीरा भायंदर का विकास तब से लेके अब तक अगर किसी ने सोचा है तो वो है हमारे आदरणीय माननीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब. यही हमारे मीरा भायंदर के विकास पुरुष है. मैं चाहूँगा इस बार भी जो आपका प्यार हमेशा मिला है इस बार भी आपका प्यार आपका सपोर्ट आपका आशीर्वाद मुजफ्फर हुसैन साहब को मिले और आने वाले समय में वे हमारे भावी आमदार चुनकर आए. इतना ही मैं कहना चाहूंगा. एक बार जोरदार तालियों से मुजफ्फर हुसैन साहब का फिर एक बार शुक्रिया और स्वागत करेंगे और 2 शब्द के लिए मैं गुजारिश करूंगा मुजफ्फर हुसैन साहब से हम सभी के लिए आज के शुभ दिन पर. उन्होंने अपना गिनती समय यहाँ पर देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है. सेक्टर 5 के इस नवरात्रि मंडल में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और दोस्तों इलेक्शन का माहौल है और आचार संहिता है कोड ऑफ कंडक्ट है इसके लिए कोई मैं राजनीतिक भाषण या नहीं कर सकता हूं. उसके लिए अगर आप सभा लगाएंगे परमिशन वगैरह लेके तो हम जरूर करेंगे लेकिन माँ दुर्गा के 9 दिन इस नवरात्र में और माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं और वो
आकर के बुराई पर अच्छाई की मात करती है और आपका हमारा पूरा साल जो है अच्छी तरह से बीतता है। इसलिए आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ ऊपर हैं, सब मेरे साथ में 1985 से जुड़े हुए हैं और ये सेक्टर 5 की बिल्डिंगों पे ये रवि जगताप आर के हमारे सारे ग्रुप के लड़के, हम लोग साइकिल के ऊपर 1989 का जो पहला इलेक्शन हुआ लोकसभा का, विधानसभा का, तो साइकिल पे रात को 11 बजे मैं रवि हम लोग सब पोस्टर चिपका देते सीढ़ी लगा के पहले वहाँ पे, तो वो दिन के हम लोग साथीदार हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे दूने दोस्त आज तक के वैसे ही दोस्त हैं। अब क्या करें, हमारा रवि का स्टाइल ऐसे ही हम लोग दोस्त हैं। जिंदगी में सब में बड़ी कमाई होती है दोस्ती, क्योंकि भाई बहन तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, दोस्त आप सेलेक्ट करते हो। भाई बहन तो कुदरती तौर पे आपको मिलते हैं, मगर दोस्त आपको आप खुद सेलेक्ट करते हो। और सब में नसीबवान और श्रीमंत आदमी वो होता है जिसको अच्छा दोस्त मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे लोग, हमारे बाबू भाई भी, जिसको मैं अमिताभ बच्चन बोलता हूँ, पिक्चर का कौन सी पिक्चर है, अमिताभ बच्चन का डबल रोल सत्ते में सत्ता का बाबू, ऐसा सबके पेटने में मेरे पास। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा बेनाम दोस्त है, मगर इतना प्यारा है और इतना मोहब्बती है, चाहे बीजेपी के फंक्शन में हो या सेना के हो, चाहे किसी पार्टी के फंक्शन में हो, और मैं वहां पहुंच गया तो वो ये नहीं देखता कि मैं किसने मुझे कार्यक्रम में बुलाया है। वो लंबा चौड़ा मेरी तारीफों का पुल बांध देता है और मैं ऑर्गेनाइजर लोगों के चेहरे उस वक्त देखते रहता हूँ कि यार किसको हमने कंपेयरिंग का काम दे दिया, ये तो माल हमने हमारा बेचने का बोला, ये तो मुजफ्फर का माल बेच रहा है। तो ऐसा ही हमारा प्यारा दोस्त है, इसको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बोला साहब से मैं सीखते सीखते ये आगे चला गया, साहब उधर ही रह गया। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ऐसे ही तुम्हारे पे बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों से, सभी बड़ों से नम्र विनती, एक बार जोरदार तालियां मुजफ्फर साहब के लिए। आपकी तालियां हमारे मुजफ्फर साहब के लिए। आशीर्वाद के रूप में।